हमारे टाइम पर उस टाइम 30-32 परिवार फैमिली थी यहाँ पे। अच्छा, और अब गांव में मेरे ख्याल से मुश्किल से 10-12 फैमिली बची। ये कब है बात बोली? ये 74, 75, 76 से लेके उसके बाद 75 मार लिए हैं। 75 बिल्कुल सन 1975 में ये 30 परिवार था। 30 परिवार था, पूरा गांव भरो रंजो जग के एकदम। पेड़ पौधा ऊपर कुछ नहीं चाहिए तुम कोई एक दुख पहले साथ में पता की जो जिन हम पैसा अच्छा नहीं चो। अच्छा जिन चौ की जरूरत पड़ जाए कहते हैं ते मार छू ज्यादा ऊंचो डांडे पर तो मार छू लेते हैं श्रीनगर जान छा। अच्छा, अर्थ हुए का बदला मा चौल लोन छा। अच्छा, तुम लोन की बदलाव जो मतलब सहज गो में बदल इसा बदलाव इतनी हो जन आप रो बीते देख लो जन थोड़ा आप बेस भूसा अपनो पहाड़ी जन रीति रिवाज है हमारा। वो तो निभाया चंदन कम से कम, पर सवाल ही नहीं। अब लोग सब मॉडर्न टाइप में है ना, नए जमानो आएगी चला भाई। तुम बचपन में ही करे है? बचपन में हम ये करे आज हम तुम देखो कि वे टाइम पर तुम्हारा पिता लोग ये कितना खेती करते रहे। खेती कर जा हम लोगों जा बस ये साधन जो और किच बल्द छा। तो अब वे टाइम और अब टाइम की फर्क है? अब क्लीनिंग वो करना अब कक्षण करना आई पूंगड़ा तो हुई छा हमारा पूंगड़ा हुई छा ना, लेकिन वे टाइम पर पूंगड़ा अच्छा भला छा। आज दुनिया जंगल हो एक जन पेड़ ही पेड़ वेगन दुनिया भरा हम लोग में कुछ कमी आ गई निकम्मा वेगन बिल्कुल निकम्मा हो गया जी। बिल्कुल सही बात है ना, ये नहीं जना कोई बिल्कुल निकम्मा हो गया जन। अब प्रदेश गए वो थोड़ा पैसा होना चे चला भाया हाँ जी जो भी ले बाजार से लाओ जी सब कुछ चलो बाजार में ज्यादा निर्भर बाजार पहले खेती बाड़ी सब्जी सुब्जी साग दाल था सब घर हो अब कोई करना तैयार ही नहीं। गेहूं चावल हमारे टाइम पे बाजार में क्यों लोन कभी तेल होगी लत्ता कपड़ा होगी जैसे गुड़ गाड़ो दाल भी सभी की सभी की सब दाल हो जमर हो मोटो खाणो जो मोटो लाणो जो लोग बीमार भी नहीं होता कोदू जमर खान चा खूब बनचो कोदू जमर रोटी काटी बनो कोदा रोटी बन चाह मारता रोटी बन चाहिए हम ही लोग आजकल ये जिम्मेवार हमें चाह पहले एक बड़े अब पहले साधन पता की जो जिन हम पैसा अच्छा नहीं चो। अच्छा जिन चौ की जरूरत पड़ जाए कहते हैं ते मार छू ज्यादा ऊंचो डांडे पर तो मार छू लेते हैं श्रीनगर जान चा। अच्छा, अर्थ हुए का बदला मार चौल लोन चा कह भांगुल भी होन जो है टाइम पर तो भांगुल भी ले जान चा तो भांगला बदला लोन। अच्छा, ये मसालो वो का बदला होन जो अदला बदली फसले अदला बदली होन चा। अच्छा, और आप तो लोग मैं वो चीज भी खत्म मार चुकी कखो ना बहुत कम देखे बोल मैं डानो कह बाकी अपनों तो सवाल ही नहीं। पहले खूब होता था ज्वार होता था बाजरा होता था मोटा अनाज होता था वो बाजरा खिल बना था। अच्छा, मार्चो वंचो लाइया बना था भट्ट वंचा भांगलो वंचो भूजे था। आजकल सर्दियों में बरसात में लोग बैठा पे 10-12 इकट्ठे हो गिन साहब तू कहेगा भट्ट भोजन छा कहेगा पौर भोजन छा तू बुकाइन छा लोग आजकल दिखने नहीं ना तो भोजन कह चलो है ना बस हम भी तुम लोन की बदलाव जो मतलब सहज गो बस इसा बदलाव इतनी हुई जन आप रो भीतर देख लो जन थोड़ा आप भेष भूसा अपनो पहाड़ी जन रीति रिवाज है हमारा वो तो निभाया चंदन कम से कम पर सवाल ही नहीं। अब लोग सब मॉडर्न टाइप में है ना नए जमानो आएगी चला भाई बस वे चक्कर में हम अपना जो पुराना रीति रिवाज है ना गाँव ना समझ कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं बिल्कुल अपना रीति रिवाज हमारा बहुत पिछड़ा जाए छोड़ना बहुत कम जन जो कि चला भाई अभी गाँव में छह दिन भाई अभी अरुंगा सारा पर आप जन कह पहले प्रत्येक घर में दुई भैंसा घोड़ा बल्द हर कह गा होता आप देख ला गाँव में मेरे ख्याल से हमारे कतरी 15-20 गाँव से 5-6 आदमी हो भैंसा ही मेरे तुम्हारे टाइम पर कितना जाए लोग हमारे टाइम पर बहुत आबादी थी हमारे टाइम पर उस टाइम 30-32 परिवार फैमिली थी यहाँ पे। अच्छा, और अब गाँव में मेरे ख्याल से मुश्किल से 10-12 फैमिली बची। ये कब है बात बोली? ये 74, 75, 76 से लेके उसके बाद 75 मार लिए हैं। 75 बिल्कुल सन 1975 में ये 30 परिवार था। 30 परिवार था, पूरा गांव भरो रंजो जग के एकदम। पेड़ पौधा ऊपर कुछ नहीं चाहिए तुम कोई एक दो कटा हो जाए क्योंकि ऊपर घास आते हैं। 75 से 23 तक जो है 15 परिवार रह गए। बस 15 परिवार रह गए गाँव में। देखो ये तो बहुत प्रतिशत बिल्कुल आधा गाँव खाली बिल्कुल। और वे बाद अगर 30 साल और लगा गए 30 साल तो फिर निरपट्टी हो गया बंजर समझ लो बिल्कुल निरपट्टी हो गया फिर ये जो फिर जंगल ही हो जाएगा एकदम एक प्रकार से। अभी तो दिखा नहीं था जंगल है लेकिन अंदर भीतर कुछ छन गांव परिवार जो दे रहा हूँ छन बस अभी नहीं जब कभी ब्याह हो जाना कोई जाते खेली हो जाना तब लोग घर आ जाए तब देखें दिखा गाँव छे जब लोग भैर भी नौ लोग
इसके लिए तो मुहिम चलानी चाहिए सरकार को भी। अब सरकार को क्या, सरकार कहाँ तक, सरकार पीछे भागेगी, कुछ हम लोगों की कमी है ना सारे, तो सरकार भी कहाँ तक, सरकार को रोजगार दियो ना, अगर उसका ढंग से उपयोग भी नहीं करते फिर लोग भाग गया। सरकार थोड़ा रोजगार दे तो लोग थोड़ा रुकों नहीं, रुक भी सकते ना लोग, अर्जन अभी बहुत सारा देखने में कुछ भैर भी ना आता, जो कोरोना काल में आए तो ये फोन काफी उच्च करे कहे वो बते लोगों जो भैर में वापस आए, जन छोटी मोटी नौकरी से जाएगी बेचारा है वो कोरोना काल में आया तो तब भी नहीं एक ही देखने मैंने कुछ लोग इन जन जो एक ही देखने मैंने। आप भी फरीदाबाद रहें? हम भी फरीदाबाद रहें। चलो बहुत बढ़िया, आप भी अब गाँव में रहते हो? बस अब गाँव में आया थोड़ा सा बस। नहीं बढ़िया, लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, एक सीमित उम्र तक शहर में रहना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, कमाई के लिए, उसके बाद गांव में आना भी जरूरी है। गांव में आना भी जरूरी है, अपना देखो ना, अपनी खेती बाड़ी भी देखो, पैतृक भूमि में आना, पैतृक भूमि में आना है, उसको देखभाल करो। हाँ जी, क्या अब लोग आना नहीं चाहते ना, दिक्कत दीजिए साल समझ से ही लोग थोड़ा सा कष्ट नहीं उठा जाना, समझ से ही होगा ना, थोड़ा बहुत अगर काम करेंगे तो थोड़ा इंजन कि अपन सेहत होते ठीक जाना, फिर नहीं काम हाथ खोटा चल रहा है, चलते रहेंगे तो तभी तो बोलो सेहत है कुछ, और जो सब इन सोच ला हमारा चला हुआ कुर्सी में बैठे कुर्सी वहाँ बैठे मिल जाओ तो वो चीज तुम और बेकार भेजता वो पहाड़ में, तो बिल्कुल ना पहाड़ में तो ये है कि चलते फिरते रहो, बिल्कुल चलते फिरे फिरते रहो, थोड़ा बातचीत होती रहती, बातचीत करते रहो एक दूसरे से। पूर्ण जाते हैं पूर्ण ये पूर्ण के बोलो आए हुए हैं, जो छोटा भाई हमारा उनका मकान बना था ये, अच्छा बस तब उन्होंने मिट्टी मुट्टी डाले थे, मैंने चलो अब साफ कर देते हैं इसको, बस थोड़ा सा हम अब खेती बाड़ी हो ली थी, थोड़ा साग सब्जी घर आ गया, पर साग सब्जी तब भजन जरा सी बस। ये देखो ये ऐसे काम जो पहाड़ों में करने पड़ते हैं, और पहले भाजी जो है फरीदाबाद रहते थे, अब जो है गांव में रहते हैं। थोड़ा सा यूं साग सब्जी तो मजा लो तिमु बुझ लो मर तुम तो बुझ लो वाला तभी मु सीजन पर अब ठीक हो जाओ। हमारा तो सब कुछ यही हो सकता है, बुज्जी अनाज सब कुछ, लेकिन हम करना चाहते हैं ना, चक्कर ये कमी हमें ना, कमी कुछ हमें भी है कुछ, अब एक जंगली जानवर हो गए तो बहुत ज्यादा वो भी परेशान करते हैं, उसको तो हमें निपटना पड़ेगा ना, निपटना क्या पड़ता है। अब कई बार ऐसे होते हैं बाहर प्लेन से बाजारों से क्या करते हैं लोग, शहरों में बंदर इकट्ठे करके यहाँ जंगलों में छोड़ देते हैं, वो चीज भी है, वो ट्रक भर के लाते हैं यहाँ जंगलों में छोड़ देते हैं, यहाँ के जो बंदर होंगे वो डर जाते हैं, उसको पत्थर मार के भाग जाते हैं, वो नहीं डरते साले, वो ऊपर पत्थर मारो कभी ऐसे करेंगे तुम्हारे ऊपर दांत और दिखाएंगे,